वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रेस्टिक में स्वागत करता हूँ। तो पिछले क्वेश्चन जो मैंने ट्यूटोरियल में दिया था, वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है, तो इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का ट्यूटोरियल्स का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या होगा, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया, तो उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। माओ त्से-तुंग संबंधित है, उत्तर चीन से। माओ त्से-तुंग संबंधित है, उत्तर चीन से होगा। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, उत्तर होगा इसका अमृतसर, पंजाब में अमृतसर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, उत्तर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था, उत्तर अब्राहम लिंकन ने। बोध गया किस धर्म से संबंधित है, उत्तर बौद्ध धर्म से। बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो बोध गया से। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है, उत्तर गुरु नानक देव। भारत में पहली सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, उत्तर 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सबसे लंबी सड़क है, जीटी रोड। जीटी रोड जो है वो भारत की सबसे लंबी सड़क है। भारत में जो सर्वाधिक शिक्षित राज्य है वो है केरल। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर होगा जयपुर, जो कि राजस्थान में है। और साथ में हम ये भी बता दें दोस्तों कि जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, किसकी दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, भूमि की दृष्टि से। ठीक, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो उत्तर होगा सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, और उनके साथ दो और दोस्त थे उनके, सुखदेव और राजगुरु। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, भारत के जो संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही ये बनकर तैयार हो गया था, जिसमें हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिग्नेचर किया था। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं, जो भारतीय फिल्म के अभिनेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं, उत्तर बिहार से। उनकी बेटी का नाम सोनाक्षी सिन्हा, जो कि हीरोइन है, मतलब नायिका है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है दोस्तों, पूरे भारत में अलीगढ़ इसी के लिए माना जाता है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो उत्तर होगा इसका 8। हमारे सौर परिवार यानी सौरमंडल में 8 ग्रह वर्तमान में हैं, लेकिन 9वां प्लूटो था, उसको अब ग्रह में नहीं गिना जाता है, इसको 2004 में निकाल दिया गया है, मतलब ग्रह से ग्रह में अब नहीं गिना जाता है। और चंद्रमा जो है वो उपग्रह है दोस्तों, एक ही उपग्रह है जो पृथ्वी पर है, और बहुत सारे मतलब कि और दूसरे ग्रहों पे अलग अलग उपग्रह हैं, लेकिन जो पृथ्वी पर है वो एक ही उपग्रह है, जो कि चंद्रमा है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, बनारस में, उसे बनारसी बोलते हैं। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है,
बनारस। वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? जो वैसाखी त्योहार होता है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं? उत्तर, सिख धर्म के लोग। हमने पिछली बार बता चुका है कि सिख धर्म के संस्थापक जो हैं वो गुरु नानक देव हैं। ये पंजाब में ज़्यादातर मनाया जाता है, लेकिन देश के अलग अलग कोनों में भी लोग रहते हैं सिख धर्म के, लेकिन सामान्यतः मानते हैं कि पंजाब में रहते हैं। तो अगला हम देखते हैं, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा फिर दौसी की कृति है। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। जो इम्फाल शहर है ठीक, वो मणिपुर की राजधानी है दोस्तों। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? 1964 में। सन 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया था। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू नहीं है? अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू नहीं है? तो उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर की बात बता दूं, तो जम्मू और कश्मीर भले ही भारत में हैं, लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जब तक उनकी परमिशन नहीं होती है तो कोई भी कानून भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी को संविधानीय अधिकार नहीं देता है कि वहां पे कानून लागू कर सके। तो जम्मू और कश्मीर ही ऐसा एक राज्य है जहां पे वहां के मुख्यमंत्री के अनुसार ही कानून, और मतलब जो भी चीजें लागू करना है वो जम्मू और कश्मीर में तभी लागू होगा जब वहां का मुख्यमंत्री चाहेगा। अर्थात वो नहीं चाहता है तो भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, कहीं के भी हो राष्ट्रपति, वो लागू नहीं कर सकते हैं। मतलब जम्मू और कश्मीर से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा एक ही राज्य है जो बहुत सारी चीजों में अलग होता है, मतलब जम्मू और कश्मीर में लागू करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो 370 जो भी है अनुच्छेद वो जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो भारत में हर राज्य पे लागू हो जाते हैं लेकिन जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी एक ऐसी नदी है, एक ही नहीं बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन गोदावरी ही ऐसी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? मतलब तेल को रिफाइन किया जाता है, छाना जाता है, तो कहाँ कारखाना है इसका? बरौनी में। बहुत सारे लोग इसमें धोखा खा जाते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? मतलब जब अमेरिका स्वतंत्र नहीं था तो 1776 में किसके नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो उत्तर होगा इसका जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ऐसे नेतृत्वकर्ता थे जिनके नेतृत्व में ही 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तीसरा नंबर, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? मतलब पेड़ बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन उनमें सामान्यतः किस तरह की पत्तियां होती हैं? छोटी तरह की होती हैं जो सामान्यतः हर राज्य में नहीं होती हैं, वहां की बड़ी पत्तियां होती हैं। लेकिन राजस्थान के पेड़ों में, जो राजस्थान में जो पेड़ होते हैं ठीक, वो उनकी पत्तियां छोटी होती हैं। तो अगला अब हमने आज 30 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। आज अब आपके लिए ये एक नया क्वेश्चन मैं लाया हूँ, जो कि पिछले हर ट्यूटोरियल में मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की वो कितनी पावरफुल है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप अपने से करें ताकि आपको भी पता हो कि आप कैसी तैयारी कर रही हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसके लिए आपको इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट में देना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? ठीक, महात्मा गांधी जो कि हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं ठीक, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था ठीक। उन्होंने हमें बहुत ही संघर्ष किया, उनके बहुत सारे थॉट्स हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो इसमें भी मैंने एक थॉट्स बनाया है महात्मा गांधी, जो कि आपको दूसरे ट्यूटोरियल में मिल जाएगा। आप पिछले के ट्यूटोरियल्स में देखिए, उनके थॉट्स मैंने बहुत ही चूज करके बनाया है, तो आपको वो पढ़ने चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था ठीक। तो दोस्तों यदि थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक इस वीडियो को यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोज को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और बहुत सारी
बहुत अच्छे तरह से इन वीडियोज़ का लुत्फ़ उठाएं और कंपटीशन में बैठें दोस्तों। और आज की डेट पे कंपटीशन का ही ज़माना है दोस्तों, यदि आप कंपटीशन नहीं करते हैं तो आप बहुत ही पीछे हैं, और कंपटीशन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आपको इसका आंसर मिल सके, और ताकि मुझे भी पता चले कि आप पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।